फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि लुक लाइक का क्या यूज है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हम वर्ड लुक लाइक को कैसे यूज करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को समझें। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, वर्ड लुक लाइक मीन्स के जैसा दिखना या के जैसा लगना। फ्रेंड्स, वर्ड लुक लाइक का यूज हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई एक नाउन दूसरे नाउन के जैसा लगता है या कोई एक नाउन दूसरे नाउन के जैसा दिखता है। इस कंडीशन में हम वर्ड लुक लाइक का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक एग्जांपल लिखा हुआ है, यू लुक लाइक अ जेंटलमैन। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि तुम एक जेंटलमैन यानी एक शरीफ इंसान दिखते हो या तुम एक शरीफ इंसान लगते हो। यहाँ आपने समझा कि यहाँ दो लोगों के बारे में बात की गई और यहाँ ये बताया गया कि पहला दूसरे के जैसा दिखता है या पहला दूसरे के जैसा लगता है। आइए फ्रेंड्स, कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि यह कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, हमें अपने लाइफ में कई बार ऐसा कहना होता है कि वह तुम्हारे भाई के जैसे दिखता है या वह तुम्हारे भाई के जैसे लगता है। कई बार फ्रेंड्स, हम किसी को चिढ़ाते हुए ये कहते हैं कि तुम बंदर जैसे दिखते हो या तुम बंदर जैसे लगते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि तुम एक बंदर के जैसे दिखते हो तो आप कहेंगे यू लुक लाइक अ मंकी। यू लुक लाइक अ मंकी, आप लुक लाइक लिखेंगे तो बातों से पता चलेगा कि तुम बंदर तो नहीं हो बट तुम्हारी हरकतें या तुम्हारा लुक, तुम्हारा अपीयरेंस बंदर के जैसा है, यानी तुम बंदर के जैसे दिखते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि मैं सलमान के जैसा दिखता हूँ तो आप कहेंगे आई लुक लाइक सलमान। फ्रेंड्स, आपको कहना हो कि वे लोग तुम्हारे भाई के जैसे लगते हैं तो आप कहेंगे दे लुक लाइक योर ब्रदर्स। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह कटरीना जैसी दिखती है या वह कटरीना जैसी लगती है तो आप कहेंगे सी लुक्स लाइक कटरीना। आप यहाँ पर लुक्स का यूज करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स, आपको मैं पार्ट 6 में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस में जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो तो वर्ब में ऐसे यस का चक्कर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि वह एक चोर जैसा दिखता है तो आप कहेंगे ही लुक्स लाइक अ थीफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने सीखा कि जब आपको कहना हो कि कोई इंसान किसी के जैसा लगता है या कोई इंसान किसी के जैसा दिखता है तो आप लुक लाइक का यूज करेंगे। आइए फ्रेंड्स, एक दो एग्जांपल और देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर कहना हो कि आप अपने डैड के जैसे लगते हो तो आप कहेंगे यू लुक लाइक योर फादर। फ्रेंड्स, अगर कहना हो वो अपने माँ के जैसी दिखती है या वो अपने माँ के जैसी लगती है तो आप कहेंगे शी लुक्स लाइक हर मदर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो कि क्या मैं एक महान इंसान लगता हूँ या क्या मैं एक महान इंसान के जैसा दिखता हूँ तो आप कहेंगे डू आई लुक लाइक अ ग्रेट मैन। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना हो कि एक नाउन दूसरे के जैसा दिखता है तो आप लुक लाइक का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि यह कॉन्सेप्ट आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपको यह लेसन समझ में आया तो फिर आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दें। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो दिस चैनल लुक्स लाइक अ ग्रेट चैनल तो आप इसका क्या मीनिंग समझेंगे? कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।